बाबर आजम से आप जलते हैं, रोहित शर्मा से आप जलते हैं, आप चाहते क्या है? अच्छा एक पोल डाल दो। क्या पोल? रोहित शर्मा हेटर कौन है? डाल दो, चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको। हम तीनों में से कौन है रोहित? डाल दो, रॉबिन एक पोल डाल दो। नहीं तीनों पांडे कहां है यार, पांडे तो उनके नहीं नहीं कोई नहीं, आप डाल दे। पांडे तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुका है रोहित शर्मा की भक्ति में। रॉबिन एक आप पोल डालें, कौन है रोहित हेटर, नितिन कोबरा या प्रियांशु? डाल दे आप, मैं रेडी हूं पोल के लिए। क्या इंदिरा नाम तो डाला ही नहीं सवाल में, जो नाम आया था गया। मैं तो समझ आया आप कौन है, मैं तो आपको पता है कि हेटर नहीं हूं, उसमें क्या हो गया। चलिए हमारा डाल दीजिए, कोई बात नहीं। नितिन कोबरा या सुशांत मेहता, ये डाल दो। कौन है रोहित का सबसे बड़ा हिमायती फैन टाइप, सबसे बड़ा सपोर्टर? कौन सबसे बड़ा सपोर्टर आपके हिसाब से, कौन है रोहित हेटर? ए बी करिए, सुशांत नितिन, बस खत्म। मेरी स्पेशल स्पेलिंग ठीक लिखिएगा, एस यू एस एच ए एन टी, ठीक है ना? सुशांत एन की भी देख लीजिएगा, कोबरा सी ओ बी आर ए, कोबरा। हाँ मुझे पता है, पोल डाल दीजिए, पोल डाल दीजिए। नहीं तो ये तो ऑब्वियसली कोबरा ही जीतेगा, कोबरा सबसे बड़ा हीटर है, कोबरा सबसे बड़ा हीटर है रोहित शर्मा। मुझे लगता है पूर्ण बहुमत के साथ कहीं ये कहीं पूर्ण बहुमत आप पीछे डिवाइड करके देखिएगा कि हम लोगों ने कितना खाया है और इसने कितना खाया, ठीक है? डिवाइड करके आप देख लीजिए यार, भूख भी लग रही थी क्या? फुल मेजॉरिटी के साथ आप तो खाए बाहर कुछ, हम तो दस्तरखान खा के आ रहे हैं जैसे हैं। आप भी भूखे हैं, कोई बात नहीं, साथ ही थे। मैंने तो चाय पी थी यार, हमने भी वही पी। आपने नमकीनों वमकीनों के पैकेट उड़ा दिए सारे जी, नमकीनों के पैकेट। यार निजामुद्दीन आपको क्या प्रॉब्लम है उससे यार, रोहित शर्मा से? आप लिख रहे हैं कि रोहित शर्मा डक लोडिंग टुमारो, ऐसा ना करें आप, यहाँ पे हेटर्स खुश होते हैं ऐसी बात। लिखे रोहित 100 लोडिंग टुमारो, रोहित 100-200 लोडिंग, 200 रन बना दे कल रोहित, बना दे। क्यों देखो T20 में अगर किसी से एक्सपेक्ट किया जाता है क्रिकेट तो वो 200 बनाए, यहाँ पे रोहित ही है। हालांकि वो 4-5 साल पहले की भाई, यहाँ पे कोई कंप्यूटर वाली गेम तो चल नहीं रही है कि 20 ओवर भाई पोल जरूर डाल दिया। 200 तो नहीं भाई, रॉबर्ट पोल डाल दिया कि नहीं होगा? डाल दिया, देखो पोल भी डल गया। बस तो फिर इंतजार, अब अपने खात्मे का रेडी हो जाए, अपना अपना खात्मा करवाने का इंतजार करें, फुल सपोर्ट और फुल बहुमत। अच्छा ये पूछ रहे भाई, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान टाइमिंग क्या है, प्लीज टेल मी। अफाक है इनका नाम, बताइए। अफाक जी, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, अगर तो आप इंडिया से देख रहे तो 7 बजे शार्प, यहाँ पे शाम को 7 बजे से मैच शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 6:30 बजे, आधा घंटा पहले चलता है वहाँ पे, तो 6:30 बजे शाम को जी। पोल का रिजल्ट भी बहुत जल्द आ ही जाएगा, फुल सपोर्ट के साथ सरकार बन सकती है ये, पूर्ण बहुमत। बिल्कुल जी। नहीं नहीं भाई, अभी तक 500 वोट हो गए, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, आप देखते जाएं। 500 वोट हो भी गए, 75% जी, 75% गलत समझ रहे हो भाई। मैंने क्या बोला, फुल सपोर्ट रहेगा, पूर्ण बहुमत आएगा, बहुमत आने वाला। आपने शायद पोल गलत समझ लिया है, आपने मेरे को लवर समझ के वोट कर दिया। आपको हेटर मतलब इसको वोट करना था आपको, मैं तो उनका समर्थक हूँ यार, आप मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हैं? अच्छा पहली बार आपने देखा कि मतलब कोई सामने से बोल रहा है कि भाई मुझे वोट मत करो, अब इनको वोट करो। पहली बार हुआ इतिहास में, वोट मुझे ना करो। लेकिन अब गलत वोट कर दिया, समझा प्रश्न नहीं समझा ना। अरे नहीं आप ये देखो, लोगों का प्यार कितना है। हाँ। देखो कुछ भी हो, सवाल कोई भी हो, सवाल कोई भी हो, चुनना सुशांत मेहता। ये सवाल का जवाब दीजिए, वेदांत बोल रहे हैं कि भाई आजकल हार्दिक पांड्या को इतना हेट क्यों मिल रहा है, ये बताइए। ये देखो हार्दिक को जिस तरीके से मुंबई ने उन्हें कप्तान बनाया है, उस वजह से जो रोहित शर्मा के स्पेशली फैंस हैं उनको पसंद नहीं आया भाई कि 5 ट्रॉफी रोहित ने जीती हुई है और उसके बावजूद आप किस कैसे हार्दिक को कप्तान बना सकते जबकि रोहित है इतना अच्छा वर्ल्ड कप गया है। तो बेसिकली उस वजह से रोहित इमोशंस में आके, हालांकि हार्दिक की कोई गलती नहीं थी मैं बिल्कुल मानता हूँ, इमोशंस में आके और जिस तरीके से मुंबई ने रोहित को हटाए भी बिना कंसल्ट किए एंड ऑल सारी चीजें, तो उस वजह से मेरे ख्याल से हार्दिक को काफी ज्यादा, यहाँ पे तो इमोशनल थोड़े से ज्यादा। हम इमोशनल फील होते हैं, सुपर चैट जो भी हो एक बार ग्रुप पे भी देख लीजिएगा, सुपर चैट जी हार्दिक को हेटरेट। नहीं हार्दिक वही बता रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, सेंटीमेंट्स का खेल है कि मतलब कोई अगर प्लेयर आपके दिल के करीब है और थोड़ा सा नाइंसाफी हो जाए, इनजस्टिस हो जाए तो थोड़ा सा बुरा लगता है और इसी वजह से एक प्लेयर को पर्टिकुलरली टारगेट कर लिया जाता है। बिल्कुल यहाँ पे गलती ये हुई कि आपको प्लेयर नहीं पकड़ना था, आपको फ्रेंचाइजी पकड़नी थी, गलती प्लेयर की नहीं है, गलती फ्रेंचाइजी की है, उसने ट्रीटमेंट सही नहीं की रोहित शर्मा के साथ। हार्दिक की क्या गलती है यार, वो तो बेचारा कप्तान गुजरात में। देखिए मैं देखो और ये एक चीज हमेशा होती है कि जब किसी बड़े प्लेयर को कोई रिप्लेस करता है ना, और जैसे हमने शुरू शुरू में देखा जब सचिन गए या कभी
कोई सौरभ गांगुली गए या जो बड़े राहुल द्रविड़ गए उनकी जगह जिन लोगों ने ली और वो जैसे ही फेल हुए लोगों ने कंपेयर करना शुरू कर दिया, लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। जब रोहित को कप्तानी से हटाया गया, अब कदम है तो आप देख लो रोहित ऑब्वियसली बड़े हैं, तो रोहित को जब हटाया गया, जब हार्दिक को लेकर आएगा, तो उस वजह से भी लोग जो है वो इंतजार करते हैं। फिर अभी तो आप देखो कि जैसे ही आईपीएल शुरू होगा, अगर रोहित एमआई में ही खेल रहे हैं और आईपीएल में हार्दिक कर रहे हैं मुंबई की कप्तानी, तब देखेगा अवार्ड ज्यादा होने वाला है। ये सुपर चैट दिखा दीजिएगा यूएम 123 की। आपको याद होगा जब एमएस धोनी ने आई थिंक क्रिकेट छोड़ा था खेलना, तो ऋषभ पंत को बहुत लोग स्टेडियम के अंदर तक कर देते थे भाई ट्रोल। जब डीआरएस कॉल्स को लेकर वो गलत करता था, कोई कैच ड्रॉप हो जाए तो रन नहीं आते थे, रन नहीं आते थे, अंदर उसकी बकायदा बू कर देते थे स्टेडियम के अंदर। बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता था चलते मैच में। तो इंडिया में ये चीजें रहती है, सेंटीमेंट बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं बड़े प्लेयर की वजह से। ये थोड़ा सा है सुपर चैट दिखाएगा यू 123 यूएस से बोल रहे रिजवान डजंट प्रे टू मॉक एनीवन, देयर आर स्पेसिफिक टाइम्स फॉर प्रेइंग इन इस्लाम, रिजवान ओनली फॉलोज दैट पैटर्न, ही डज इट ड्यूरिंग ड्रिंक्स ब्रेक, आई थिंक इट्स फाइन बट यू गाइस कैन डिसएग्री इफ यू वांट। देखिए अब वही है ना कि बाकी क्या कम मुसलमान है इनसे, बाकी भी तो है दुनिया में। और आप एक बात देखिए कि आपके सारे प्लेयर्स, पहले नहीं होता था 90s में, धीरे धीरे एक्सट्रीमिज्म ज्यादा ही हुआ। पहले अगर पोस्ट मैच सेरेमनी होती थी, सारे नहीं बोलते थे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये तो ऐसा लगता है उनको मतलब पनिशमेंट देके बुलवा रहे हो सारे के सारे। पहले आराम से आते थे, इंटरव्यू करते थे, जाते थे, बीच में एक बंदे ने शुरू करा, दूसरे ने शुरू करा। आप ये देखो मुश्ताक अहमद, इंजमामुल हक, कितने प्लेयर बताऊं मैं, सकलेन मुश्ताक, सईद अनवर तो चलो अलग, वो तो उनकी बेचारी अलग ट्रेजिक स्टोरी है थोड़ी, बट वो जेन्युइनली है। बट बाकी जितने भी हैं, सकलेन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन फिर भी हाँ चलो मोहम्मद यूसुफ, सकलेन मुश्ताक मोहम्मद, इंजमामुल हक, सब ने ही दाढ़ियां टोपियां बाद में किसी के प्लेयर की जब तक वो खेल रहे थे वसीम अकरम की, उसके बाद शुरू वसीम अकरम सही है भाई। देखो ये सब दिखाने वाली जो चीजें होती है ना वो अलग चीज है। तो मैं सिमिलरली आपको बता रहा हूँ कि आपके आते 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 ना ये ज्यादा ही होता गया कि ये एक हमने मैसेज देना है, हमने पता नहीं क्या इनसिक्योरिटी है या क्या प्रूव करना है दुनिया को। हमारे यहाँ पे चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, आपने देखा हमारे प्लेयर्स ने कभी भी आके कोई जय श्री राम या कोई ऐसे करके अपनी स्पीच शुरू करी है, एक्सेप्टेंस स्पीच मैन ऑफ द मैच या पोस्ट मैच सेरेमनी, या कोई अगर मुस्लिम भी है तो उसने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या अभी शामी का बताऊं, शामी ने क्या कुछ ऐसा बोला, एक मैं आपको बताता हूँ यहाँ। और इसमें क्या होता है कि जी आप वहां पे शमी को सजदा नहीं करने दिया, शमी ने आके धड़ल्ले से बोल दिया भाई मुझे कोई रोक सकता सजदा करने से, क्या उखाड़ लेगा उसको कोई भाई। अगर उसको बोलना है जेन्युइनली वो बोलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या जो भी बोलते हैं आप में इज्जत के साथ बोलेंगे वो, बट ये कल्चर को प्रमोट नहीं करते हैं यहाँ पर भाई। रिलीजन का क्या लेना देना है वैसे स्पोर्टिंग इवेंट्स में, कोई वो सुपीरियर आदमी है कि वो वहां पे आके अपना वो करेंगे कि चार बार मुझे दिया गया तो मैं ये करूंगा, ऐसे बड़ी चीजें हमारे धर्म में भी होंगी नहीं कर रहे उधर, क्या जरूरत है आपको वहां पे ज्यादा वो करने की। आप करोगे दूसरा बंदा शुरू करेगा टक्कर पे, तीसरा बंदा करेगा, तो हमें बोला गया है जी तो हम यही करेंगे जी, यही होता है एक्सट्रीमिज्म भाई। आप गेम खेलने आए हो, गेम खेलो, जो करना है प्राइवेटली करो, घर जाओ, खत्म बात। तो वो चीज है ना कि इससे क्या होता है ना, और एक और उसमें क्या होता है, अब ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट हो जाता है। अब इस्लाम में थोड़ा सा भी कुछ बोल दो तो तलवारें उड़ जाती हैं, तो वहां पे हो जाता है इसने ऐसे कैसे बोल दिया, उसने वैसे कैसे बोल दिया। अब आपके स्पेशली जो कंट्रीज, आप पाकिस्तान हो गई या सऊदीया हो गई या बाकी आप देश देखिए जो इस्लामिक कंट्रीज अपने आप को बोलती हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म हो जाता है भाई। ये फिर आप हर चीज में करने लग जाते हो, कोई लड़की जा रही है और जो मर्जी उसने कपड़े पहने उसको पकड़ लिया बुर्का पहनो, किसी को वहां मार रहे हो, कोई वहां पिट रहा है, और फिर रिलीजन के नाम पे कुछ भी बदमाशी चलने लग जाती है जहां पे भी एक्सट्रीमिज्म होता है। और भगवान मेरे देश में ऐसा ना हो, मैं तो नहीं चाहता कि एक्सट्रीमिज्म चाहे हिंदुइज्म के नाम पे हो, चाहे इस्लाम के नाम पे हो, चाहे क्रिश्चियनिटी के नाम पे हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। हालांकि हम तो बॉयकॉट, वेरी पर्सनल थिंग यार, आप अपने दिल में रखो जो आपने करना है करो, ये सब करके कुछ होता नहीं है भाई। ये आप सिर्फ एक पता नहीं क्या एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, प्रोपेगेट कर रहे हो, एक तरीके से लगता है एक प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा गलत बात है ये। मतलब मैं तो इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ, आईसीसी ने उन्होंने नहीं रोका, किसी ने भी नहीं उनको नहीं रोका, उनको पूरा हक है। लेकिन अगर यही यहाँ पे शुरू हो गया फिर वो अजीब बात हो जाती है कि वो एक एक फिर मैच नहीं देख पाएंगे, आधी आरतियां चल रही होंगी उसमें कि इसने 100 मार दिया,
वो आरती शुरू, उसने सौ मार दिया, वो नमाज शुरू, ये वो शुरू, वो शुरू, ये यही हो रहा है। तो नहीं होना चाहिए, ना इधर से होना चाहिए ना उधर से होना चाहिए। स्पोर्टिंग फील्ड में ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। किसी का भी रिलीजन किसी और के रिलीजन से सुपीरियर नहीं है। इट शुड बी लेवल प्लेइंग फील्ड। और आपने अगर यही करना तो आप जाके मौलवी बन जाए। आप चार बार आठ बार जितनी बार जो करना है करें, अगर आपका फोकस उधर ही है तो आप वही करें लाइफ में। मिक्स ना करें ना दोनों चीज़ों को, वो बड़ा अजीब सा एक मैसेज आता है। आगे आ जाइए। थैंक यू UM123। आई होप आई कुड एक्सप्लेन व्हाट आई मेंट। और मैंने बड़ी सीधी तरीके से बोला भाई, मैं घुमा फिरा के बात करता भी नहीं। आगे आ जाइएगा और सुपर चैट दिखा दीजिएगा। आज मैंने उनको भी यही बोला वैसे कि नहीं होना चाहिए ये सारी चीज़ें। सुपर चैट और आगे दिखा दीजिएगा। और पाकिस्तान में तो बढ़ता ही गया, और आप देखो आपका देश पीछे ही जाता गया। जब जब ये हरकतें बढ़ेंगी ना किसी भी देश में, वो देश पीछे ही जाएगा। जब आप ये सारी चीज़ें कंपलसरी कर दोगे कि प्लेयर को ऐसे ही रहना चाहिए, ये बोलो वो बोलो, ये प्रमोट करो वो प्रमोट करो, है ना, उनको खेलने दो भाई। जब टीम खेलने पे कॉन्सनट्रेट करती है ना, तभी वर्ल्ड चैंपियन बनती है। सुपर चैट और आइए जी, दिखा दीजिएगा जी। वाह, आदित्य बहल बोल रहे हैं, पंत हैज अमेजिंग आईपीएल, विल ही रिप्लेस जितेश जी? अभी देखना पड़ेगा, पहले उसको आने दो, देखते हैं। योगेश बोल रहे हैं, सुशांत भाई रोहित को जो पावर बैक करा है आपको भी पता है, बिग रिस्पेक्ट रोहित, बट कब तक बैक करोगे बिना रन्स के? विराट को बस उनकी रन्स बैक करती है। नहीं देखिए, बैक करें ना करें, अब उनको परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। अभी भी उनके पास जैसा है आखिरी मौका ही है ये। मेरे को तो लग रहा है विराट के लिए भी है। विराट भी देखो इसके बाद, वैसे तो विराट खेल सकता है 40 तक, उसकी फिटनेस है, लेकिन ये T20 वर्ल्ड कप गया, फिर नेक्स्ट में होगा नहीं होगा? नहीं मुझे नहीं लगता कि ये WTC में होगा, वनडे इंटरनेशनल चैंपियंस ट्रॉफी में होगा, कितना और खेलेगा? और आपको दो फॉर्मेट में लगातार खेलोगे, अभी आगे 5 साल खेल सकता है, बट तीनों फॉर्मेट में मुझे नहीं लगता है। तीनों फॉर्मेट छोड़ के विराट के लिए मुश्किल हो जाएगा करियर को बढ़ाने के लिए। दोनों के लिए लास्ट ही है भाई, दोनों के लिए लास्ट ही है। तो अब तो रन बनाने पड़ेंगे, अब तो रन बनाने ही पड़ेंगे, सीधी बात। अगर विराट कोहली ने 2027 का अभी भी रन नहीं बनाओगे तो 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है तो एक फॉर्मेट वो तो वो आराम से चाहेंगे तो मिस कर सकते हैं, क्योंकि प्लेयर्स बहुत आ गए इंडिया में। सईद हुसैन बोल रहे हैं, लव योर चैनल, थैंक यू ब्रदर। सर्वेश तिवारी बोल रहे हैं, भाई तुम लोग अपना इलाज करवा लो, नहीं फट जाओगे। इसका तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं हो सकता, हमारा फिर भी स्कोप है, हम दवाई जिस तरीके से हम लाइफ। देखो नीरज भी बोल रहे हैं, सुशांत इज अ बिग फैन ऑफ रोहित शर्मा। शर्म आती है आपको मेरे अगेंस्ट एजेंडा करते हुए? रॉबिन एक बार पोल दिखा दीजिए, और पोल में ये पता चलेगा कि दूध का दूध पानी का पानी। आप स्क्रीन पे दिखा दीजिए, सीधा स्क्रीन पे देखेंगे। रोहन श्रीवास्तव, आपकी सुपर चैट रोहन श्रीवास्तव की देखी थी, एक बार देखिएगा। रोहन श्रीवास्तव, हाँ वो बोल रहे हैं रोहन श्रीवास्तव यूजी ने इतना बुरा भी नहीं खेला जो उनको ड्रॉप कर दिया। भाई उनको खिलाया गया बिना ही ड्रॉप किया, यूजी चहल के साथ। यूजी चहल एक ऐसी केस स्टडी है जिसको बिना खिलाए इन्होंने ड्रॉप किया जी, हर वर्ल्ड कप से, हर बड़े टूर्नामेंट से। बाबर 100 लोडिंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड बोल रहे हैं, चिमकांडी। चिमकांडी क्या होता भाई? चिमकांडी प्लेयर। श्वेता मल्होत्रा बोल रही हैं, हैप्पी बर्थडे टू वामिका कोहली। अनुल बसन इज मोहाली के ग्राउंड में वीके का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट T20 इनिंग्स आई थी 2016 में, याद है भाई? देखा था वो पावर प्ले में 60+ लोडिंग टुमारो, सार्थक आर्य हो सकता है, बन सकते हैं। क्रिकेट लवर साइम बोल रहे हैं, सुशांत लव्स रोहित, देखा कितने सच्चे इंसान है सारे। दिखाएं पोल, दिखा दीजिए पोल, मैं वेट कर रहा हूं पोल की। आर्यन इमरान पूछ रहे हैं, वसीम अकरम कैसे कमेंटेटर है? अच्छे हैं उर्दू में, नहीं इंग्लिश को इंग्लिश भी अच्छी है, कमेंट्री फॉक्स के लिए मेरे ख्याल से कर रहा है, हां बहुत जबरदस्त कमेंट्री जो सीरीज हुई थी। रोनाल्डो ग्रेटर देन मेसी जी, ये देखिए हैं, अच्छा जी ये देखें कौन है रोहित हेटर। परसेंटेज क्या बोला था मैंने? हैंड्स डाउन कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में, ये मेरी कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर, मेरी बड़ी गलत रेपुटेशन बनाई है 78% और मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया आप लोगों, हजार से ऊपर होते हैं, आपने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया है, और ये बहुत ही गलत धारणा पब्लिक में फैली है। रोहित शर्मा को जितना मैंने अप्रिशिएट किया है कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा, और मैं बिल्कुल भी रोहित हेटर नहीं हूँ, और मैंने हमेशा उनको सपोर्ट किया है। आई एम नंबर वन रोहित सपोर्टर बाय द वे, इतना तो उनकी फैमिली वालों ने सपोर्ट नहीं किया जितना मैंने उनको सपोर्ट अच्छा, किया। अच्छा, मैं तो उन लोगों को मतलब सोच के हैरान हूँ कि जिसने प्रियांशु को सिर्फ 6% दिए हैं। प्रियांशु भाई मेरे से ज्यादा होना चाहिए 6%, मेरा तो 0% होना चाहिए था भाई। क्यों 0% मेरे से ज्यादा होना चाहिए? नहीं, मैं आकाश पांडे से भी नीचे होना चाहिए, सबसे कम मेरा होना चाहिए। अच्छा, मेरे को ऊपर करवा दिया जबरदस्ती।
हजार लोगों में 780 लोग सोच रहे हैं ऊपर वोट हो चुके हैं। गलत है ना ये, गलत है। आप सोचो कि हजार लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र एक जगह इकट्ठे हूँ और 780 लोग ना गलत है ये बोले आदमी पागल हो जाए ये चीटिंग है, ये षड्यंत्र है और चीटिंग है। पांडे जी के लिए दो लोग खड़े और रोहित 20 लोग, वो रोहित हेटर में वाले में है ना, रोहित हेटर नहीं है वो पांडे हेटर है, बोला इसको पे लेंगे ये जानते नहीं अब, लेकिन ये गलत है। पांडे को हटाओ इसको घेर लेंगे, घेरे इसको 20 लोग। नहीं नहीं मैं तो देखिए मैं अपनी आपको भेज रहा हूँ एक फोटो, वो भी दिखाइएगा आप, बिकॉज मैं तो रोहित शर्मा से यार हमेशा एक दिल का नाता है, हमेशा मैंने सपोर्ट भी किया है, ऐसी कोई बात है ही नहीं। आप लोग गलत तो खबरें चला रहे हैं और मेरे को आपने जबरदस्ती हेटर बनवा दिया। श्वेता मल्होत्रा बोल रही है सुशांत स्पीक्स फैक्ट, ही डजंट लव एंड हेट एनीवन, ही इज न्यूट्रल। बिल्कुल भाई गुड, यही बता रहा है आपको। थैंक यू श्वेता, लेकिन हेटर्स तो ये हैं, मुझे बना दिया गया हेटर जबरदस्ती। अनडाउटेडली 78% मैं हेटर, यार ये गलत है, ये चीटिंग करी है रॉबिन ने, इसको घुमा दिया ऊपर नीचे। अच्छा सुशांत रोहित एंड समर्थक क्या कह रहे हैं, सुशांत रोहित समर्थक चैनल बना हुआ भाई, वो कह रहे हैं चैनल है सुशांत रोहित समर्थक, वाह वो कह रहे हैं अवार्ड मिलना चाहिए आपको। नहीं यार सुशांत भाई, भले ही दुनिया आपको रोहित हेटर समझे पर मैं भी समझता हूँ, हंस रहे हैं वो भी। यार ये क्या बात है, मैंने कैसी कौन सी ऐसी बात करी है, मैं तो रोहित शर्मा का मेरा तो मतलब इतना प्यार है और इतना नाज है मुझे। दानिश इकबाल बोल रहे हैं कोबरा सबसे बड़ा रोहित हेटर, हाँ कोबरा है नंबर वन रोहित हेटर, कोबरा ने बोला था कि रोहित को हटा दो आईपीएल से। मैंने तस्वीर भी भेजी है आपको और सुपर चैट भी आई है, दोनों दिखा दीजिएगा, लेकिन मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूं जिन लोगों ने मेरे लिए वोट अच्छा, करा, ऐसी को बात नहीं। अननोन पर्सन आपसे पूछ रहे हैं हैशटैग आस्क यारी, शुश ब्रो कोहली पहले थोड़ा गुस्सेल टाइप का था लेकिन जब आप एमसीजी में मिले तो कैसा इंटरेक्शन था आपका, बात स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा इंक्लाइन हो चुके हैं, भगवान की बात करते हैं ऊपर वाले की बात करते हैं, ग्रेटफुल हो चुके हैं बहुत ज्यादा और बड़े बच्चे, देखिए प्यार देखिए कहां से आपको हेटर लग रहा हूं मैं, ऐसे तो आप जब प्यार देखिए आप उनके चेहरे पे, प्यार तो देखिए मेरे लिए, मेरे चेहरे प्यार देखिए उनके, वैसे तो बाबर क्या बॉन्डिंग है, मिलेंगे तो आप बाबर के लिए भी दिल से प्यार, मैं बाबर हेटर थोड़ी हूं, आप जबरदस्ती हेटर बना रहे हैं ना, बाबर के लिए भी बहुत तारीफें करी है मैंने, देखिए आप कितनी सुंदर तस्वीर है, एक तस्वीर बोलती है ना पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, ओह माय गॉड, सारे वर्ड्स में पूरी कहानी बना रही है, सपोर्ट लव आदर सम्मान रिस्पेक्ट वो सब तो ठीक है। मैं रोहित को देख रहा हूँ इसमें, खुश है वो कैसे खड़े हुए हैं, वो खुश है वो, कितने खुश है वो, आप देख रहे हैं वो कुछ जीतेंगे वर्ल्ड कप, कुछ खाना वाना खा के, इसके बाद परफॉर्मेंस की थोड़ी सी दामाडोल थी, लेकिन ये कौन से मैच की थी, आई मीन कौन से मैच, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले की, शुरू होने से पहले तभी वर्ल्ड कप से शुरू होने से पहले की और विराट की भी है। अच्छा ये मेरे ख्याल से उस दिन की है जब ऑल कैप्टन सारे कैप्टन सारे कैप्टन, पहला captain सवाल मैंने करा था रोहित से आईसीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाबर का बर्थडे भी था, हाँ बाबर का बर्थडे भी था ना, बिल्कुल बाबर का बर्थडे था, केक नहीं खिलाया उन्होंने लेकिन वैसे मिले बड़े प्यार से, तब मैंने उनको बोला भी था कि फखर जमान से ओपन करा लो, तो बिना कुछ बोले भाग गए। अब वो ये ना कि मैंने तो जो बोला आज वो सच होने वाला है, फखर जमान करेगा वो चीज, वो उनसे नहीं हो पाई, मैंने उनको सही एडवाइस दी थी, सुनते नहीं हो, मैंने इनको भी सही एडवाइस दी थी, मैंने विराट को भी सही एडवाइस दी थी, इनको आपको भी सही एडवाइस दी, क्या दी थी एडवाइस आपको, मैंने एडवाइस अच्छी नहीं दी थी, नहीं इनको, इनको क्यों बताऊं मैं आपको, इनको नहीं भैया वो पर्सनल बात है, इनको क्यों बताऊं मैं आपको क्या एडवाइस दी मैंने, लेकिन आपको जो दी थी वो तो आपको पता ही है ना, बट ढीठ है आप इतने, क्या मानते नहीं और मुझे हेटर बना दिया, यार मेरे को हटाओ उसमें से, इसको वोट ज्यादा दो यार, इन दोनों को वोट दो, प्रियांशु को वोट दो, मेरे को क्यों दे रहे हो यार, यार इन सब में हम एक इंसान है, भूल ही गए हमने कुरैशी का नहीं डाला, कुरैशी कहां हेटर है, कुरैशी नॉट, सुपर चैट दिखा देना यार, आ जाइए वापस आ जाइए, सुपर चैट दिखा दीजिएगा, बाबर वाली भी तस्वीर याद आ गई, इस दिन बाबर के साथ भी तस्वीर ली थी, इस दिन मैंने केन विलियमसन के साथ, मैंने एक साथ सबके साथ तस्वीर ले ली, केन विलियमसन, रोहित शर्मा, बाबर आजम, बाबर बबूमा, बबूमा नबी, वो क्या है अपना शनाका, किसी को नहीं छोड़ा मैंने, रू ओ सॉरी बटलर, बटलर स्कॉट एडवर्ड्स भी नेदरलैंड्स था, एडवर्ड्स एडवर्ड्स भी थे लेकिन बाद में किसी और से वो करा था इंटरव्यू, माइकल सैमुएल, सुशांत सर फर्स्ट गिव माय आंसर, हु इज हनुमान फॉर रोहित, यार हनुमान जी से किसी को कंपेयर थोड़ी कर सकते हैं, हु इज हनुमान फॉर रोहित एंड आई वांट रोहित टू स्कोर 950 रन इन आईपीएल एंड वांट एंड नॉट प्ले टी20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, है भाई अगर मार दे और टी20 वर्ल्ड कप ना खेले, इतना कर दे आदमी तो
ये क्या आप हमें सजा दे रहे हो क्या? नहीं, अगर कोई हनुमान जी जैसे तो मैं नहीं कंपेयर कर रहा, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कोई संकट मोचन रोहित शर्मा के लिए कोई है तो वो तो विराट कोहली ही है, उसी ने बचाया हर बार। T20 वर्ल्ड कप में भी विराट कोहली को ही उन्होंने ऐसे पकड़ के कंधे पे उठा लिया था, बिकॉज विराट की अहमियत वहां पे उनको समझ में आई। वो T20 वर्ल्ड कप यार आप देख लो ना, वो इनिंग्स ना होती। इवन वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में देख लो आप कितने रन मार दिए विराट। एशिया कप में देख लो जो बॉन्डिंग थी, बार बार विराट से आके गले मिल रहे थे, विराट रोहित से आके गले मिल रहे थे, तो वो अमेजिंग अमेजिंग वर्ल्ड कप फॉर रोहित शर्मा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आ गया जी, और अगर 950 रन उन्होंने मार दिए, 950 रन गड्डी तैयार रखे आप, अगर उन्होंने 950 रन बन गए तो गड्डी तो तैयारी रखनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है मुझे हेटर बोलते बोलते ना रोहित शर्मा ने मेरे से बदला लेना है, इतने रन मारने हैं कि मेरे यहाँ पे कर्जे की स्थिति आ जाएगी, कर्जे ले लेके दे रहा हूँ बेटा, ये लो शर्मदीद के मुबारक। अब जब ऑनर बोला देना दे तो बड़े बड़े हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि देखे कैसे कैमरा बंद हुआ, ला बेटा वापस दे निकल ले, नहीं ऐसा नहीं होगा देखेंगे। शायान खान बोल रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट फॉर यू ऑल फ्रॉम अ पाकिस्तानी फैन लिविंग इन दुबई, आई लव यू ब्रदर, थैंक यू। What do you think will be the result of Pakistan versus New Zealand T20 series? देखो अगर तो आप बाबर को ड्रॉप कर देते हो जल्दी, टाइम नहीं वेस्ट करते उसके साथ, और अपने प्लेयर्स जो नए आए हैं और एक्सप्लोसिव प्लेयर्स हैं उनको लंबी रस्सी देते हो, क्योंकि शाहीन यहाँ पे बढ़िया करेगा ही करेगा, वो अभी अभी नया नया कप्तान बना है, उसको कप्तानी चाहिए भी थी, किसको नहीं चाहिए होती भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान में, सबको कप्तान बनना है, सबके मन में तो होता है कि हम भी बन जाएं, सबके मन में होता है ना, ये पांडे जी भी सोच रहे हैं मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं किसी दिन, सबके मन में होता है कुछ ना कुछ हम कर लें, लेकिन जितनी जल्दी या तो बाबर ढंग से खेल ले भाई, लेकिन T20 में उसकी स्ट्राइक रेट नहीं हो सकती ऊपर, मतलब उसके पास वो शॉट्स ही नहीं है, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी खेल जाए न्यूजीलैंड में तो मैं हैरान होऊंगा, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हो सकता, तो नए बच्चों को खिलाओ, उनको चांस दो और मतलब उनको बैक करो, और शाहीन पूरी प्लानिंग करके बढ़िया ही खेलेगा, रिजवान भी अब तो वाइस कैप्टन बन गया, तो बोथ आई थिंक आई एम होपिंग कि बच्चा करेंगे, लेकिन यू कांट अंडर एस्टिमेट न्यूजीलैंड एंड न्यूजीलैंड, उनकी भी अच्छी साइड है, क्यों बॉलिंग मुझे लग रहा है 3-2 से न्यूजीलैंड, 3-2 का स्कोर लाइन रहेगा और न्यूजीलैंड जीतेगी, न्यूजीलैंड जीत जाएगी, मतलब बड़ा काटे बड़े काटे की सीरीज होगी, क्योंकि शाहीन की कैप्टेंसी, और मुझे लगता है ना कि बाबर और शादाब के पास ये जो चेंज हुआ है शाहीन और रिजवान, ये ज्यादा बेटर रिजल्ट बेटर करें 100% बेटर करें, लेकिन एक बात मुझे ये बताइए शाहीन की बॉलिंग होगी कैसी, क्योंकि अभी तक तो वो थका हुआ मरा हुआ लग रहा है, बॉलिंग उसकी स्पीड जा नहीं रही, अब जान लगाएगा, अब जान लगा लेगा, कप्तान बन गया, कप्तान बन गया यार, अब तो लगाना पड़ेगा, हालांकि किस्म की दोगले लोग, वरना फिर लोग बोलेंगे पीएसएल में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके बाद भी एज कैप्टन पीएसएल में कोई कसर नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ी, और वो बॉलर कैप्टन है, आप देखोगे कि जब बॉलर को भी मार पड़ रही तो शाहीन शाह अफरीदी उसके आसपास पास भी जाएगा, उसको समझाएगा, कई बार मैंने ये चीज नोटिस की है पीएसएल में, शाहीन अफरीदी बॉलर के साथ बात करता है, जमान खान को जमान खान आज इतनी विकेट्स ले रहा है लास्ट में आकर, जब वो लाहौर से खेलता है तो शाहीन उसको बहुत हद तक गाइड भी करता रहता है बीच बीच में, जब जब वो पिट रहा होता है तो शाहीन जाते भी है वहां पर, हर चीज बताते हैं, तो ये चीज उनमें है कि थोड़ा सा ना सीनियोरिटी लेवल पे आके थोड़ा सा गाइड करते हैं, और अंडर अपने कप्तानी में वो हमने देखा लाहौर के लिए, अगर वो पाकिस्तान के लिए करने में कामयाब हो जाते हैं तो बेटर ही होगा, ये तो बाबर एरा से बेटर होगा, जो कप्तान फ्रेंचाइजी क्रिकेट में वो करके आ रहा होता है उसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ही सेम दोहराए, और वो फिर हो नहीं पाता है। एग्जाम्पल आपके पास आज का बेस्ट कॉमेंट आया है डोनाल्ड ट्रंप से, कह रहे सूर्य कुमार यादव इज हनुमान जी फॉर रोहित शर्मा, मेरी एक टांग नकली है, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, जो भी है मेरी हॉकी से मेरी टांग तोड़ दी, बट बड़े दिल के बड़े अच्छे हैं मुझे, व्हाटएवर व्हाटएवर, थैंक यू शायान खान भाई फॉर सेंडिंग फर्स्ट सुपर चैट फ्रॉम यूएई दुबई, थैंक यू सो मच, और जुड़े रहिएगा स्पोर्ट्स चैट के साथ। आगे अजीब इंडिया टेलीस्कोप, चहल कैनॉट बैट नॉर फील्ड, सैमसन लाइक राजा बाबू फेल्स इन बिग मैचेस, प्रसिद्ध इज अनदर फेलियर गिवन टू मेनी चांसेस, रीजनलिज्म हैज रूइंड क्रिकेट। मैं इस बात से थोड़ा बहुत अग्री कर सकता हूँ कि आपकी जो सिलेक्शन है ना वो थोड़ी बहुत रीजन्स भाई, ये तो यार बहुत पहले से चलते हुआ आ रहा है कि साउथ के कुछ प्लेयर रख लिए, नॉर्थ के डाल दिए, एक साउथ कोटा बना लिया, वो तो दिखता है आपको, है ना, हर सिलेक्टर अपने थोड़े पुश भाई सिलेक्टर आपके किस बेसिस पे होते हैं, एक तो चीफ सिलेक्टर होता है, चार आपके सिलेक्टर होते हैं अलग अलग जोन से, वो अलग अलग जोन के ही होते हैं, एक साउथ जोन का हो गया, एक नॉर्थ जोन का हो गया, नॉर्थ ईस्ट जोन का हो गया, एक आपका सेंट्रल जोन का हो गया भी होता है, और एक और होते हैं आपके आई थिंक वेस्ट जोन है ना, तो ये सिलेक्टर्स होते किस बेसिस पे, इसी बेसिस पे होते हैं कि आपके जो आपने जो सवाल पूछा है रीजनलिज्म, वो हर रीजन से देखा जाता है भाई, साउथ जोन का जो सिलेक्टर है वो साउथ के प्लेयर्स को पुश करेगा, स्काउटिंग करता है, फिर स्काउटिंग करता है, वहां से फिर सबकी एक सहमति बनती है, फिर वहां से प्लेयर आते हैं, यही होता है आपका।
चलिए फिर अब सारी सुपर चैट हो गई तो फिर मेरे ख्याल से अब आपसे इजाजत लेने का समय आ गया है। लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर 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 कर लीजिएगा स्पोर्ट्स चैट। लास्ट टाइम पोल देख लेते हैं, स्क्रीन पे दिखाइएगा, जाते हैं और अंत करते हैं। गलत बात है वैसे, ये चीटिंग है मेरे साथ, पूर्ण बहुमत के साथ हेटिंग वाली बात यार आपके साथ। मैंने आपको भी बताया था कि जब वो डब्ल्यूटीसी वाली सीरीज हुई थी, सॉरी वो बीजीटी, बीजीटी जब हुआ था इंडिया में, तो मैंने यही बोला था कि रोहित शर्मा की बेस्ट सेंचुरी है, एक वो साल भूल गए, एक साल हो गया उस बात तो बोला तो था। अच्छा आपने पूरे एक साल में, पूरे एक साल में एक बात मिली आपको? नहीं तो मैंने ओडीआई वर्ल्ड कप में नहीं बोला था कि क्या बैटिंग है, और मैंने अच्छा तब तो मुझे किसी ने बोला कि रोहित शर्मा का सबसे बड़ा सपोर्टर सुशांत, आज जब मैंने उनको थोड़ा सा टी ट्वेंटी में जो वाकई में सच है तो मेरे को हेटर बना दिया लोगों ने। गलत बात है, लोगों की मेमोरी शॉर्ट टर्म होती है ना। आप देखिए सबसे बड़ा हेटर ये बैठा हुआ है, याद कौन रखता है फिर अभी, ये एक हेटर 80% है। ये तो मैंने तुम्हें बोला कि इसको वोट दो, तुमने और मेरे को वोट दिया, ये तो हटाओ इसको, 80% 1600 वोट आ गए इस पे, दूर दूर तक नहीं कोबरा। चलो वाओ।